चलिए तो हम लोग बात करेंगे आईएएस पीसीएस प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं और विस्तार से उनके आंसर बताए जा रहे हैं। इस तरह के हम लोग 12 टेस्ट खत्म कर चुके हैं, ये आपका 13वां टेस्ट है। याद रखिए, इस तरह की आपकी जिस भी परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जाते हों, फिर चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस है, जैसे एमपीपीएससी हो गया या उत्तर प्रदेश पीसीएस हो गया या बिहार का पीसीएस हो गया या राजस्थान, जो भी हो आपका, और आईएएस यानी कि सिविल सर्विस, इन सभी एग्जामों के लिए सभी क्वेश्चंस महत्वपूर्ण रहेंगे, ठीक है। और एक बात और याद रखिए, कई लोगों का कहना है कि मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो उनसे यही कहूँगा कि आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जो भी आपका वीडियो आता है, जो भी क्लास आती है, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाया करेगा, ठीक है। चलते हैं तो हम इस टेस्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। समाचारों में रहने वाले लिडार टेक्नोलॉजी, रिडार, लिडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किसके लिए किया जा सकता है? लिडार, इसे कहते हैं लाइट डिटेक्शन और रेंजिंग, ठीक है। इसका तात्पर्य होता है लिडार का, रिडार भी आप सुनते रहते हैं। स्वचालित ड्राइविंग के लिए, आधारभूत अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं के लिए, वायु प्रदूषण को मापने के लिए लेडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किसके लिए किया जा सकता है? स्वचालित ड्राइविंग के लिए भी किया जा सकता है, आधारभूत अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं के लिए भी किया जा सकता है, वायु प्रदूषण को मापने के लिए भी कर सकते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें आप तीनों सही हैं, 1 2 3, तीनों सही हैं इसमें। तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि लिडार, इसका तात्पर्य होता है लाइट डिटेक्शन और रेंजिंग। यह एक सुदूर संवेदी पद्धति है जो पृथ्वी पर विभिन्न दूरियों को मापने के लिए स्पंदित लेजर के रूप में विकास का उपयोग करती है। हवाई प्रणाली द्वारा दर्ज अन्य आंकड़ों के साथ साथ एक विकास स्पंदन पृथ्वी के आकार, इसकी सतह की विशेषताओं के बारे में सटीक त्रिआयामी जानकारी भी प्रदान करती है हमारी। अगर हम लोग बात करें लिडार टेक्नोलॉजी के उपयोग की, तो आप देखेंगे जैसे एयरबोर्न रडार मानचित्रण, फिर आप चाहे ग्राउंड बेस्ड लिडार मैपिंग की भी बात कर सकते हैं, तो इन सभी कामों के लिए आती है, ठीक है। तो इसमें आप लगाएंगे डी ऑप्शन, क्या लगाएंगे? डी, 1 2 3, तीनों से इसमें। क्वेश्चन से हमारा अगला, एडवांस एयर डिफेंस AAD इंटरसेप्टर मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हमें क्या करना है? एडवांस्ड एयर डिफेंस इंटरसेप्टर सेप्टर मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार। यह पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर तक की रेंज वाली इंटरसेप्टर मिसाइल है। यह है पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर तक की रेंज वाली इंटरसेप्टर सेप्टर मिसाइल है। बिल्कुल गलत है। यह मिसाइल DRDO द्वारा विकसित बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रणाली का हिस्सा है। यह मिसाइल DRDO द्वारा विकसित बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रणाली का हिस्सा है। बिल्कुल सही है। BMD यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस में दो इंटरसेप्टर मिसाइल, पृथ्वी डिफेंस व्हीकल और एडवांस एयर डिफेंस शामिल हैं। ये भी आपका सही है। पूछ क्या रहा है? उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आप देखेंगे दो भी सही है और तीसरा भी सही है, लेकिन पहला कथन इसमें गलत है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि आप देखेंगे कि भारत ने एक एडवांस एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। DRDO द्वारा विकसित AAD यानी कि इसे कहते हैं आप लोग एडवांस एयर डिफेंस इंटरसेप्टिक मिसाइल 15 से 30 किलोमीटर की कम ऊंचाई वाली दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट करने में सक्षम है आपकी, ठीक है। तो इसमें आपके दो और तीन कथन सही है। इस पॉइंट को आप लोग बड़े ध्यान से पढ़ लिया करिएगा, या तो पहले पढ़कर आप लोग बाद में इसके कथन पढ़ सकते हैं, जैसा भी आपको सूटेबल लगे, लेकिन मैं बस इतना ही कहता हूं कि इस पॉइंट को आप लोग
एक से दो बार ध्यान से जरूर पढ़ लिया करिएगा, ठीक है। अब अगर आप ही सोचिए कि अगर यहाँ लिखा होता कि सही नहीं है तो आप केवल एक लगाते, ए ऑप्शन, केवल एक सही नहीं है, लेकिन उसमें पूछा है कि सही है तो आपने लगाया है सी। क्वेश्चन है हमारे सामने अगला, निम्नलिखित युग्मों पर हमें विचार करना है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। ए रॉकेट हो गए आपके, देश या समूह हो गए, तो इसमें हमें देखना है सही सम्मिलित। एरियन कहाँ का है, यूरोपीय संघ का, बिल्कुल सही है। एटलस रूस का है, नहीं। लॉन्ग मार्च चीन का है, बिल्कुल सही है। सोयुज ये संयुक्त राज्य अमेरिका का है, ये भी गलत है। तो इसमें देखेंगे आप लोग कि पहला सही है और तीसरा सही है, दो और चार गलत है। एरियन यह आपका एरियन, देखेंगे आप लोग एरियन, एरियन अंतरिक्ष प्रेक्षण प्रयोग के लिए यूरोपीय एक्सपेंडेबल लॉन्च वाहनों की एक श्रृंखला है, कहाँ की, यूरोपीय संघ की, ठीक है। एटलस की अगर बात करें हम लोग तो यह है अमेरिकी मिसाइलों और अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाहनों की श्रृंखला है, कहाँ की, अमेरिका की। लॉन्ग मार्च की बात करूं तो लॉन्ग मार्च रॉकेट या चांग छेंग रॉकेट भी कहते हैं, यह चीन द्वारा संचालित एक्सपेंडेबल लॉन्च सिस्टम की एक श्रृंखला, एक रॉकेट है, श्रृंखला का एक रॉकेट है। सोयूज की बात करूं तो यह है ओके बी फर्स्ट द्वारा विकसित एक्सपेंडेबल लॉन्च सिस्टम की श्रृंखला है, जो समारा रूस में प्रोग्रेस रॉकेट के स्पेस सेंटर द्वारा निर्मित है, कहाँ की है, रूस की, ठीक है। याद रखिए इसमें पूछ रहा था आपका सही सम्मिलित कौन सा है, तो पहला आपका सही सम्मिलित था और तीसरा, और दो और चार को हम लोगों ने सही सम्मिलित कर दिया, तो आप सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्या होगा, सी ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में भारतीय दूर संवेदी उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में भारतीय दूर संवेदी IRS उपग्रहों का उपयोग किया जाता है। फसल उत्पादन का आकलन करने के लिए, सही है बिल्कुल। भूमिगत जल संसाधनों का पता लगाने के लिए, ये भी आपका सही है। खनिज अन्वेषण के लिए, ये भी आपका सही है। दूर संचार, ये गलत है। यातायात अध्ययन, ये भी आपका गलत है। तो जो आपका भारतीय दूर संवेदी है यानी कि IRS, ये फसल उत्पादन का आकलन करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, भूमिगत जल संसाधनों का पता लगाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं, खनिज अन्वेषण के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा आप लोग सही देखेंगे। आप देखते हैं कि वर्ष 1988 के IRS फर्स्ट से शुरुआत करते हुए इसरो ने कई विश्लेषणात्मक सुदूर संवेदी उपग्रहों का प्रमोचन भी किया हुआ। आज देखेंगे कि भारत के पास सबसे बड़ी संख्या में इस तरह के सुदूर संवेदन उपग्रहों का समूह है हमारे पास। इसमें आप देख सकते हैं कि रिसोर्स सेट ए एक दो दो ए, कार्सोसेट एक दो दो ए दो बी, रीसेट एक एक दूसरा रीसेट पे, ओशन सेट को भी देखते हैं दो, मेघा ट्रॉपिकल सरल और स्टेट सेट फर्स्ट, इस तरह की आप कई तरह के देखते हैं, ठीक है। इनकी सबसे बड़ी बात है कि उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग कई अनुपयोगों के लिए किया जा सकते हैं, कृषि जल संसाधन, शहरी नियोजन, ग्रामीण विकास, खनिज सभ्यता की तलाश यानी खनिजों की तलाश के लिए, पर्यावरण के लिए भी, वन की समुद्री संसाधनों के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। याद रखिए, ठीक है, तो इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, सही चुनना है तो एक दो तीन, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्या है, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा। चलते हैं, क्वेश्चन अगला है हमारे सामने, जेट इंजन और रॉकेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, जेट इंजन और रॉकेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए आसपास की वायु का उपयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है,
बिल्कुल सही है ये। रॉकेट अपने इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति गैस व ईंधन के रूप में करता है, ये आपका गलत है। इसमें पूछ क्या रहा है, सही कथन पूछ रहा है, तो आप देखेंगे केवल एक कथन आपका बिल्कुल सही है, दूसरा आपका गलत है। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि एक रॉकेट आमतौर पर ठोस रासायनिक प्रतिरोधक या फिर तरल रासायनिक प्रतिरोधक पेश करता है, और जिसमें ईंधन और ऑक्सीकारक होता है, या गैस की अवस्था में ऑक्सीजन नहीं ले जाया करता है। ठीक है, तो इसमें आप लगाएंगे एक, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कॉपर निकस कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कॉपर निकस कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। कॉपर निकस नासा का एक पृथ्वी अवलोकन कार्यक्रम है। कॉपर निकस नासा का एक पृथ्वी अवलोकन कार्यक्रम है। नासा आप जानते होंगे कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, ये गलत है आपका। इस कार्यक्रम से भारत को उपग्रह डेटा तक पहुंच प्राप्त होती है, ये आपका बिल्कुल सही है। उपयुक्त कथनों में से सही कथन चुनना है, तो आपने देखा है पहला कथन गलत है, दूसरा सही है, केवल दूसरा आपका सही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इसे जो कॉपर निकस यूरोपीय संघ का पृथ्वी अवलोकन कार्यक्रम है, किसका है, यूरोपीय संघ का, ठीक है, ना कि अमेरिकी के नासा एजेंसी का है। तो इसमें आपका केवल दो कथन सही था, तो इसमें आप लगाएंगे बी ऑप्शन। एक बार ऐसा करिए कि इसे पीडीएफ को टेलीग्राम से डाउनलोड करके एक बार उससे भी देख लीजिए, इससे क्या होगा कि आपको क्लियर मालूम रह जाएगा और याद भी रह जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन वाहन PSLV के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन वाहन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें क्या करना है, विचार करना है। इसे मुख्यतः पृथ्वी अवलोकन या फिर दूर संवेदन उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए निर्मित किया गया है, बिल्कुल सही है। यह तरल चरणों वाला प्रथम भारतीय प्रमोचन यान है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। पूछ क्या रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो आप देख रहे हैं कि एक भी सही है और दूसरा भी आपका बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों कथन आपके सही है। ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन वाहन भारत की तीसरी पीढ़ी का प्रमोचन यान है। किसका, तीसरी, यह भारत का पहला प्रमोचन यान है जो तरल चरणों से युक्त है, यानी कि तरल चरणों में से बना हुआ है। PSLV को मुख्य रूप से पृथ्वी अवलोकन या फिर दूर संवेदन रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लगभग 1750 किलोग्राम तक द्रव्यमान की उत्पाद क्षमता के साथ 600 से 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य तुल्यकालिक वृत्ताकार ध्रुवीय कक्षाओं में पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है, इसे PSLV को, ठीक है, तो इसमें आप क्या लगाएंगे, सी ऑप्शन, क्योंकि आपने देखा है दोनों कथन सही है, बिल्कुल दोनों कथन क्या है, सही है। क्वेश्चन हमारे सामने अगला, इसरो नैनो सैटेलाइट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। INS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें क्या करना है, विचार करना है। INS प्रणाली को PSLV पर बड़े उपग्रहों के साथ संलग्न करने के लिए यह यात्री उपग्रह के रूप में विकसित किया गया है। INS प्रणाली को PSLV पर बड़े उपग्रहों के साथ संलग्न करने के लिए सह यात्री उपग्रह के रूप में विकसित किया गया है, ये बिल्कुल सही है। इसके प्राथमिक उद्देश्यों में विश्वविद्यालयों, अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं के लिए नवोन्मेषी पेलोड को ले जाना मुश्किल है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। क्या पूछ रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, एक कथन भी सही है आपका और दूसरा कथन भी सही है, ठीक है, दूसरा कथन भी सही है। इसरो नैनो सैटेलाइट यानी कि INS एक बहुमुखी और मॉड्यूलर नैनो उपग्रह प्रणाली है, जिसकी अभी कल्पना भविष्य के विज्ञान और प्रयोगात्मक पेलोड के लिए की गई है। 3 किलोग्राम पेलोड और 11 किलोग्राम तक के उपग्रह द्रव्यमान को ले जाने की क्षमता का यह उपग्रह भावी उपयोग के लिए अपार अवसर भी है। इसके अगर हम लोग प्राथमिक उद्देश्यों की बात करें तो कम लागत वाले मॉड्यूलर नैनो सैटेलाइट का निर्माण और विकास करना, इसरो प्रौद्योगिकी प्रदर्शन पेलोड के लिए एक अवसर प्रदान करना,
मांग सेवा पर प्रक्षेपण के लिए गुणवत्ता पर बस उपलब्ध कराना, विश्वविद्यालय अनुसंधानों और विकास प्रयोगशालाओं के लिए नवीन अंतरिक्ष उपकरण बना उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान करना, ये सभी इसके प्राथमिक उद्देश्य भी हो सकते हैं। तो इसमें आपने देखा है कि दोनों कथन आपकी बिल्कुल सही है। क्या है? दोनों कथन आपकी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, एस्टोसेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एस्ट्रो सेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। यह भारत का पहला समर्पित खगोल विज्ञानीय मिशन है। यह भारत का पहला समर्पित खगोल विज्ञानीय मिशन है, बिल्कुल सही है। यह भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला है, यह भी आपका सही है। यह विभिन्न खगोलीय पिंडों के एक साथ बहु तरंग दैर्ध्यों वाले अवलोकन में सहायता करता है, ये भी आपका सही है। पूछा क्या है इसने? सही कथन पूछा है। तो आप देखेंगे एक कथन भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा भी सही है। एस्टोसैट पहला समर्पित भारतीय खगोलीय मिशन है जिसका उद्देश्य खगोलीय स्रोतों का एक्सरे, दृश्य प्रकाश और यूवी वर्णक्रम बैंडों में एक साथ अध्ययन करना है इसका। ठीक है, इसकी अगर हम लोग मिशन के वैज्ञानिक उद्देश्यों की बात करूं तो न्यूट्रॉन तारों और ब्लैक होल से युक्त बाइनरी तारक प्रणाली में उच्च ऊर्जा प्रक्रियाओं को समझना, न्यूट्रॉन तारक के चुंबकीय क्षेत्र का आकलन करना, हमारी आकाशगंगा से परे स्थित तारक प्रणालियों में तारक उत्पत्ति क्षेत्र या फिर उच्च ऊर्जा प्रक्रियाओं का अध्ययन करना, आकार में नए संक्षिप्त चमकीले एक्सरे स्रोत का पता लगाना, पराबैंगनी प्रकाश में ब्रह्मांड का सीमित गहन क्षेत्र सर्वेक्षण करना, ये सभी इसके प्राथमिक उद्देश्य हैं। ठीक है, एस्ट्रो सेट के। तो इसमें क्या आंसर सही लगाएंगे हम लोग? डी ऑप्शन, डी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, सुपर क्लस्टर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सुपर क्लस्टर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। यह ब्रह्मांड में देखी जाने वाली सबसे बड़ी आबादी संरचना है। ये ब्रह्मांड में देखी जाने वाली सबसे बड़ी आबादी संरचना है, बिल्कुल सही है। सबसे पहले खोजा गया इस तरह का बड़ा सुपर क्लस्टर सरस्वती सुपर क्लस्टर था, ये आपका गलत है। पूछ क्या रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आप देख रहे हैं कि केवल एक कथन इसमें सही है, दूसरा गलत क्यों है? अगर इसकी बात करूं तो आकाश गंगाओं की पहली सुपर क्लस्टर सैपली सुपर क्लस्टर की खोज 1989 में की गई थी, और दूसरे सुपर क्लस्टर की बात करें तो इसलॉन ग्रेट बॉल को 2003 में खोजा गया था। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं कि क्षीर मार्ग मिल्की वे आकाशगंगा लीनिया की सुपर क्लस्टर का हिस्सा है, इसे 2014 में खोजा गया था। कब? 2014 में खोजा गया था इसे। ठीक है, और आगे तो इसमें क्या था, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। मैं नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप के लिए प्रस्तावित स्थल पुणे में होगा, बिल्कुल गलत है। परिचालित होने के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा दूरबीन होगा, ये भी आपका गलत है। क्या पूछा है, कौन सा सही है? तो आप देख रहे हैं ना तो एक सही है ना ही दो सही है। क्यों नहीं है सही? क्योंकि आप जो देखेंगे नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप यानी कि NLST परियोजना में जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में चांगथांग सीत रेगिस्तान वन्य जीव अभयारण्य में 2 मीटर वर्ग के अत्याधुनिक सौर दूरबीन की स्थापना शामिल है। कहाँ है? लद्दाख में, ना कि ये पुणे में। ठीक
ठीक है, या दुनिया की सबसे बड़ी सौर दूरबीन यानी कि 2 मीटर की होगी। वर्तमान में एकमात्र पियर्स सोलर टेलीस्कोप 1.6 मीटर की व्यास के साथ दुनिया की सबसे बड़ी सौर दूरबीन है। तो ये इसे बनने के बाद ये दुनिया की सबसे बड़ी सौर दूरबीन होगी, ठीक है, याद रखिए। तो इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, ना तो आपका ये सही था, एक सही था, और ना ही दूसरा कथन सही था आपका। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, उपग्रह प्रक्षेपण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपग्रह प्रक्षेपण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। इसमें देखेंगे, भूमध्य रेखा के निकट स्थलों से प्रक्षेपित किसी उपग्रह को शुरुआती अवस्था में पृथ्वी की सतह के वेग के बराबर बूस्ट मिलेगा। भूमध्य रेखा के निकट स्थलों से प्रक्षेपित किसी उपग्रह को शुरुआती अवस्था में पृथ्वी की सतह के वेग के बराबर बूस्ट मिलेगा। बिल्कुल सही है। यह लाभ केवल उन उपग्रहों के लिए प्राप्त किया जा सकता है जो भू स्थिर कक्षा में प्रक्षेपित किए जाते हैं। ये भी आपका सही है। क्या है? ये भी सही है। पूछ क्या रहा है? सही कथन। तो आप देखेंगे दोनों कथन सही है, एक भी कथन सही है और दूसरा भी आपका सही है। क्या है? दोनों कथन आपके सही हैं। जब उत्तरी ध्रुव से देखा जाता है तो पृथ्वी घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में यानी कि वामावर्त घूमती है, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ, क्योंकि हम पूर्व में सूर्य को उगते हुए देखते हैं और पश्चिम में अस्त होते हुए यानी कि डूबते हुए हम लोग देखते हैं। पूर्व दिशा की ओर भूमध्य रेखा के निकट स्थलों से प्रक्षेपित किसी उपग्रह को पृथ्वी की सतह के वेग के बराबर शुरुआती बूस्ट मिलेगा। ठीक है, घूर्णन का सतही वेग पृथ्वी पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर भिन्न होता है, आप सभी जानते हैं। यह वेग भूमध्य रेखा के करीब 1600 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। जबकि हम ध्रुवों पर जाते हैं तो यह वेग धीरे धीरे कम हो जाता है, वहां एक व्यवहारिक रूप से शून्य हो जाता है। कहां? ध्रुवों पर। ठीक है, याद रखें। तो इसमें आप क्या देखेंगे, दोनों कथन सही लगाएंगे, यानी कि कथन एक भी सही है और दूसरा भी सही था आपका। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, थर्टी मीटर टेलीस्कोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। 30 मीटर टेलीस्कोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह एक बहुराष्ट्रीय परियोजना है जिसमें भारत शामिल है। सही है। इसका निर्माण हवाई के मोनाकिया में किया जा रहा है, यूएसए में। ये भी आपका सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आप देख रहे हैं कि दोनों कथन आपके कैसे सही है, दोनों कथन आपके सही है। 30 मीटर टेलीस्कोप TMT कनाडा, चीन, भारत, जापान और अमेरिका के वैज्ञानिक संगठनों द्वारा वित्त पोषित एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है। कैसी है? अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है। यह परियोजना भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और परमाणु ऊर्जा विभाग का संयुक्त उत्तरदायित्व है इसमें, यानी कि भारत भी इसमें शामिल है। इस परियोजना की कुल लागत की बात करूं तो 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर इसकी लागत। और यह वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड में सुदूर स्थित धुंधली वस्तुओं का अध्ययन करने में सक्षम बनाएगा, जिससे ब्रह्मांड के विकास के शुरुआती चरणों के बारे में हमें जानकारी भी मिलेगी। इसके अलावा आप देखेंगे कि यह हमें सौरमंडल और अन्य तारों के आसपास के ग्रहों और अन्य दूरस्थ पिंडों के बारे में भी बेहतरीन जानकारी देगा। ठीक है, तो इसमें आप क्या देखेंगे, सी ऑप्शन, यानी कि दोनों कथन आपकी बिल्कुल सही है। एक कथन भी सही है और दूसरा कथन भी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सॉलिबेसी बेसिलस कलामी एक जीवाणु है जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पाया जाता है, ना कि पृथ्वी पर। सही है, बिल्कुल। डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप आंध्र प्रदेश तट के निकट अवस्थित है। डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप
आंध तट के निकट अवस्थित है? गलत। बड़े ध्यान से पढ़ लिया करिए यार, क्या होता है कि क्वेश्चन आते हुए भी हम लोग गलत कर बैठते हैं, उसके बाद पछताते रहते हैं। कलाम सेट सार्स सार्क उपग्रह का नया नाम है, ये भी आपका गलत है। पूछ क्या रहा है इसमें, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप देख रहे हैं कि दो भी सही नहीं है और तीसरा भी सही नहीं है, दो और तीन सही नहीं है, लेकिन पहला इसमें कथन सही है। लेकिन पूछ रहा है कि नहीं सही नहीं है, तो आप दो और तीन सही नहीं है, दो नहीं सही और तीन भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है उसके बारे में बता देता हूं, फिर ऑप्शन पर ले चलता हूं। क्योंकि आप जानते हैं कि डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जानते थे हम लोग, उड़ीसा के तट पर स्थित है। कहाँ है? उड़ीसा के तट पर है, ना कि आंध्र के तट पर, आंध्र प्रदेश के। ठीक है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश तट पर बैरियर द्वीप है। अगर आपसे पूछे कि श्रीहरिकोटा कहाँ है, तो इसमें आप लगाएंगे आंध्र प्रदेश तट पर है। ठीक है, और अगर सार्स या नासा के साथ मिलकर आई डू डेल लर्निंग द्वारा आयोजित क्यूबेक्स इन स्पेस प्रतियोगिता में 57 देशों की युवा प्रतियोगियों द्वारा पिस्तौत 86,000 डिजाइनों में से चयनित 80 मॉडलों में से एक था, यह भारत से चुना गया एकमात्र मॉडल था। कौन सा? सार्क कलाम सेट। कौन सा? कलाम सेट। तो इसमें सही नहीं पूछ रहा था, तो कौन कौन सा सही नहीं था? दो कथन भी सही ना नहीं था और तीसरा भी सही नहीं था, यानी कि हम लगाएंगे सी ऑप्शन। आज ज्यादातर क्वेश्चंस आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हैं, तो इसे भी बड़े याद रखिए, लिया करिएगा। इसके लिए आप लोग करंट से जरूर जुड़े रहिए। हाइपरलूप प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाइपरलूप प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। हाइपरलूप परिवहन प्रणाली पूर्णतः स्वायत्त, सुरक्षित और शोर रहित है। सही है, यह चुंबकीय उत्थापन पर आधारित है। ये भी आपका बिल्कुल सही है। क्या पूछ रहा है? सही है। कौन से सही है इसमें? तो एक भी सही है और दूसरा भी आपका सही है, यानी कि आपके दोनों कथन इसमें सही है। हाइपरलूप परिवहन प्रणाली में कम दाब वाली ट्यूबों के माध्यम से उच्च गति पर यात्रा करने वाले पॉड होते हैं। यह प्रणाली पूर्ण रूप से स्वायत्त, भली भांति बंद परिवेश युक्त होगी, इसलिए चालक संबंधी गलती अपेक्षित नहीं है। भली भांति बंद परिवेश, जहां वायु का प्रतिरोध बिल्कुल ना के बराबर हो, मैकपोर के बहुत तेज गति से पहुंचने का अनुमान होता है। और यह प्रणाली चुंबकीय उत्थापन पर आधारित है और एक ट्रेडमार्क युक्त बिजली प्रणोदन प्रणाली द्वारा प्रेरित है। इसकी गति में कोई संपर्क नहीं होगा, इसलिए ये वाहन शोर रहे थे, यानी कि शोर नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें आपके दोनों कथन बिल्कुल सही थे, तो हम क्या लगाएंगे? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन हमारा? क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह जैव अणुओं की त्रिआयामी संरचनाओं को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने में सहायता करती है। बिल्कुल सही है। इसका प्रयोग संक्रमक जीका वायरस से को प्रतिबंधित करने के लिए किया गया है। ये भी सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आप देख रहे हैं कि दोनों कथन आपके बिल्कुल सही हैं। कैसे हैं? बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा कि वर्ष 2017 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार हाई रेजुलेशन क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के विकास के लिए जैक्स ड्यू बोसे यूनिवर्सिटी ऑफ लुसियाना स्विट्जरलैंड को दिया गया था, जो जो एच एम
फ्रैंक कोलंबिया विश्वविद्यालय और न्यूयॉर्क और रिचर्ड हैंडरसन कैम्ब्रिज के मेडिकल रिसर्च काउंसिल लेबोरेटरी ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यूके को प्रदान किया गया था। कब की बात की जा रही है? 2017 की। क्रायोइलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी द्वारा क्रायोजेनिक तापमान पर फ्रोजन हाइड्रेटेड नमूनों को प्रतिबिंबित यानी कि इमेजिंग करने की एक प्रणाली है। यह प्रणाली जैव अणुओं की 3D संरचनाओं को बेहतर तरीके से प्रतिबिंबित करने में सहायता भी करती है। इसका प्रयोग जीका वायरस को इमेज करने और इसके उपचार से संबंधित शोधों के लिए किया गया था। ठीक, तो याद रखिए इसमें आपके दोनों कथन सही हैं, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। क्वेश्चन है अगला हमारा, एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित मिसाइलें अग्नि, ब्रह्मोस, पृथ्वी हैं। गलत है। इस कार्यक्रम की निगरानी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली नाभिकीय कमान प्राधिकरण द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाती है। ये भी आपका गलत है। कैसा है? गलत है बिल्कुल। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आप देख रहे हैं, ना तो एक सही है ना ही दो सही है। आखिर सही क्या है उस पर भी बात कर लेता हूँ। एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे आप लोग IGMDP के नाम से भी जानते हैं, इसकी शुरुआत 1983 में की गई थी और इसका नेतृत्व डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने किया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप विकसित 5 मिसाइलों को देखेंगे। नान, जो तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल है। अग्नि, अलग अलग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, इसमें अग्नि 1 देख देंगे, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 यानी कि अग्नि 5। आकाश को देखेंगे, ये मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। त्रिशूल को भी देखेंगे, एक कम दूरी तथा निम्न स्तर की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है त्रिशूल। और पृथ्वी, कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, इसमें ना कि अग्नि, ब्रह्मोस और पृथ्वी, ये तीनों नहीं शामिल हैं। नाग है इसमें, और आप अग्नि की जो भी सभी हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये भी शामिल हैं इसमें। आप लोग आकाश को भी देखेंगे, त्रिशूल को भी देखेंगे, पृथ्वी को भी देखेंगे। एकीकृत निर्देशक मिसाइल विकास कार्यक्रम रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, नाभिकीय कमान प्राधिकरण के अंतर्गत नहीं। किसके अंतर्गत आता है? ये आता है आपका रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, जो हमारा रक्षा मंत्रालय है इसके अंतर्गत। और पृथ्वी मिसाइल की अगर बात करूं तो ये भारत की प्रतिष्ठित एकीकृत निर्देशक मिसाइल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत DRDO द्वारा विकसित प्रथम मिसाइल है। क्या है? प्रथम मिसाइल है। तो इसमें क्या लगाएंगे हम लोग? ना तो एक सही था ना ही दो सही था, यानी कि डी ऑप्शन, ना तो एक और ना ही दो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सतत विकल्पीय वहन योग्य परिवहन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सतत विकल्पिक वहन योग्य परिवहन के संदर्भ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। इसका उद्देश्य फसल अवशेषों के आधार पर बायोडीजल उत्पादन संयंत्र स्थापित करना है। गलत है। यह सतत विकास लक्ष्य 7 को हासिल करने के प्रयासों को बढ़ावा देगी। बिल्कुल सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आप देख रहे हैं केवल 2 कथन सही है। पहला कथन इसमें गलत है। पहला कथन गलत क्यों है? अगर इसकी बात करूं तो यह ही योजना संपीड़ित जैव गैस CBG उत्पादन संयंत्रों की स्थापना के लिए और स्वचालित ईंधन के उपयोग के लिए बाजार में CBG की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए और इच्छुक उद्यमियों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित करती है। ठीक है, एक बात और आपको यहाँ बता देता हूँ।
जो आपके सतत विकास 17 लक्ष्य हैं, इन्हें आप लोग बड़े तरह अच्छी तरह से याद रख लीजिए, जैसे भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि इससे क्वेश्चंस आपके हमेशा पूछे जाते हैं, और प्रीलिम्स के लिए ही ज़रूरी नहीं है। आप देखते हैं कि मेंस में भी आपका आंसर राइटिंग के लिए कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें भी इनका उपयोग आप लोग कर सकते हैं, तो इन्हें बड़े अच्छे से याद रख लीजिए। इसमें क्या होगा हमारा, केवल दूसरा कथन सही होगा, पहला गलत था। क्वेश्चन है हमारे सामने, हनोई शिखर सम्मेलन समाचारों में था कुछ समय पहले, या निम्नलिखित समूह राष्ट्रों में से किससे संबंधित है? हनोई शिखर सम्मेलन समाचारों में था अभी कुछ ही दिन पहले, और ये निम्नलिखित समूह राष्ट्रों में से किससे संबंधित है? दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान से, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी आईसीईपी से, यूएस उत्तर कोरिया से, या फिर एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग से? तो आपने सुना होगा कि यूएस और उत्तर कोरिया से, क्योंकि आपने देखा होगा हनोई शिखर सम्मेलन 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन था। इसमें आपने देखा होगा कि वियतनाम के हनोई में अमेरिकी राष्ट्रपति और उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता के बीच इस बैठक संपन्न हुई थी। इससे पहले आपने देखा है कि सिंगापुर में आयोजित की गई थी, इसमें भी उत्तर कोरिया और अमेरिका के नेताओं के बीच बैठक हुई थी। ठीक है, याद रखिए, तो इसको भी अच्छे से याद रख लीजिए। तो इसमें आप लगाएंगे सी, कुत्ते भी बड़े मौज में है आजकल लॉकडाउन के चक्कर में। लॉकडाउन में कुछ भी कहिए आप लोग, इनका रेडी वालों का भी बहुत योगदान रहा है कि आपके घर घर तक सब्जी पहुंचाते रहे। सोचिए अगर ये ना होते, ये ना करते ये काम, तो शायद बहुत बुरी स्थिति देखने को मिलती हमें, समझ रहे हैं? क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रधानमंत्री जी वन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री जी वन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका उद्देश्य स्थानिक लोगों से संबंधित पवित्र वृक्षों को संरक्षित करना है। गलत है, कैसा है? गलत है। इसे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, ये भी आपका गलत है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ना तो एक सही है और ना ही दूसरा सही है। आखिर इसमें सही क्या होगा उस पर भी बात कर लेता हूं। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जीवन जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना को मंजूरी प्रदान की थी, जिसके अंतर्गत ऐसी एकीकृत बायो एथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय मदद करने का प्रावधान किया गया जो लिग्नोसेल्यूलोजिक बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीड स्टॉक का इस्तेमाल करती हैं। इसे पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा, ना कि पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय के द्वारा। तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, इसका पहला चरण 2018-19 से 2020 सॉरी 2022-23 तक है, और दूसरा चरण इसका 2020-21 से होगा 2023-24 तक। ठीक है, तो इसमें ना तो आपका एक सही था और ना ही दो, यानी कि डी ऑप्शन इसमें लगाएंगे। क्वेश्चन है हमारे सामने, श्रेयस योजना के उद्देश्य क्या था? श्रेयस योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? आश्रय, भोजन और चिकित्सा देखभाल जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके देश में वरिष्ठ नागरिकों को के जीवन में गुणवत्ता में सुधार करना, देश में रक्षा उपकरणों के अधिक से अधिक विनिर्माण और अधिग्रहण को सक्षम करने के लिए निजी क्षेत्र के उद्योगों में शामिल करना, देश में गैर प्रौद्योगिकी स्नातकों को औद्योगिक प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना, और डी है इसमें, उद्यमिता विकास कार्यक्रम के माध्यम से SC/ST छात्रों को अपने स्वयं के स्टार्टअप की अभिकल्पना शुरुआत और संचालन में सहायता करना। तो इसमें आपका सी होगा, क्या होगा? सी होगा, यानी कि जो श्रेयस योजना है ये देश में गैर प्रौद्योगिकी स्नातकों को औद्योगिक प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना इसका काम है। सीएस का पूरा नाम है राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना। इस योजना की शुरुआत आप देखेंगे कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी।
अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वत विकास केंद्र द्वारा जारी की गई हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र नामक रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वत विकास केंद्र यानी कि ICIMOD द्वारा जारी की गई हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र नामक रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। HKH यानी कि हिंदू कुश हिमालयन क्षेत्र आने वाले वर्षों में तापमान की वैश्विक औसत वृद्धि की तुलना में अधिक गर्म होगा, बिल्कुल सही है। अन्य पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में पूर्वी पर्वतीय श्रृंखला अथवा पूर्वांचल श्रृंखला का तापमान कम से कम 0.7 डिग्री सेल्सियस अधिक होगा, ये आपका गलत है। पूछ क्या रहा है, सही कथन पूछ रहा है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि पहला कथन इसमें केवल आपका सही है, दूसरा आपका गलत है। क्या है, दूसरा गलत है, क्योंकि उत्तर पश्चिम हिमालय काराकोरम क्षेत्र में यह तापमान कम से कम आपका 0.7 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा आपका, और हिंदू कुश हिमालय वैश्विक औसत तापमान वृद्धि की तुलना में अधिक गर्म होगा, साथ ही अधिक ऊंचाई पर यह और भी अधिक तेजी से गर्म होगा। आप लोग जानते होंगे कि हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र पश्चिम में अफगानिस्तान से पूर्व में आपका म्यांमार तक लगभग 3500 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कहाँ, 3500 किलोमीटर क्षेत्र में। तो इसमें आप क्या लगाएंगे, केवल एक कथन सही था, दूसरे को हम लोगों ने सही बना दिया। क्वेश्चन अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संधि योद्धबंदियों POW के साथ व्यवहार से संबंधित है। इस सिद्धांत की स्थापना करती है कि युद्धबंदियों को सक्रिय शत्रुता की समाप्ति पर अविलंब रिहा और प्रत्यर्पित किया जाएगा। यह है आपकी जेनेवा संधि, क्योंकि इसलिए आपने देखा है कुछ समय पहले हमारे अभिनंदन साहब के बारे में इस तरह की बात उठी थी, तो उस समय भी ये चर्चा में रही हुई थी, ठीक है। यह आपकी जेनेवा संधि 1864 और 1949 के बीच स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न संधियों की श्रृंखला है। इसका उद्देश्य है कि सैनिक और नागरिकों पर युद्ध के प्रभाव में कमी लाना है। 1864 में युद्ध के समय घायलों की मदद के लिए वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डूनेंट के प्रयासों के परिणाम स्वरूप संधियों की स्थापना की गई थी। जेनेवा संधियों की संख्या 4 है, कौन कौन सी 4 है। इसमें पहली आपकी जेनेवा संधि में धरातल यानी कि धरती पर युद्ध के दौरान घायल और बीमार सैनिकों की रक्षा की बात की गई है। दूसरी आप लोग जेनेवा संधि देखेंगे तो इसमें समुद्री युद्ध यानी कि समुद्र में युद्ध और उससे जुड़े प्रावधानों को शामिल किया गया है। इसमें समुद्र में घायल, बीमार और जलपोत पर तैनात सैन्यकर्मियों की रक्षा और उनके अधिकारों की बात की गई है। अगर आपके तीसरे जेनेवा संधि की बात करें तो युद्धबंदियों पर लागू होती है। युद्धबंदी आमतौर पर एक पक्ष के सशक्त बलों के सदस्य होते हैं जो संघर्ष के दौरान विपक्षी द्वारा यानी कि दूसरे देश द्वारा पकड़ लिए जाते हैं, दूसरे शत्रु द्वारा। शत्रुता में प्रत्यक्ष भाग लेने के आधार पर POW यानी कि इसमें युद्धबंदियों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। इसमें युद्धबंदियों के श्रम, वित्तीय संसाधनों का जिक्र और राहत एवं न्यायिक कार्रवाई के संबंध में व्यवस्था की गई है, ठीक है। और चौथी आप जेनेवा संधि देखेंगे तो इसमें देखेंगे युद्ध वाले क्षेत्र के साथ साथ वहाँ के नागरिकों के संरक्षण का भी प्रावधान किया गया है, यानी कि वहाँ रहने वाले लोगों का भी प्रावधान किया गया है। तो ये आपका सी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, PM किसान योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। PM किसान योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है आपका। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, बिल्कुल गलत है। योजना के तहत लाभ का दावा करने के लिए सरकार द्वारा आधार को अनिवार्य बनाया गया है, ये आपका बिल्कुल सही है। वैसे भी आप देख रहे हैं कि आधार हर जगह मानने की बात की जा रही है। इसका उद्देश्य प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT के माध्यम से लघु और मध्यम किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है, ये भी आपका गलत है। सही उत्तर चुनना है तो आप देख रहे हैं कि केवल 2 सही है इसमें। याद रखिए आधार की एक और व्यवस्था हो गई कि सरकार जो भी इस तरह की योजनाएं चला रही है उस पर अनिवार्य कर दे रही है,
कोई भी लाभ हो किसी भी तरह का, तो उसमें आपने देखा है कि एक तरह से अनिवार्य कर देती है कि आधार कार्ड जरूरी है। ठीक है, वैसे आपको सिम में लेना है इस तरह की सुविधाओं के लिए या बैंक में अकाउंट खुलवाना है तो वहाँ अनिवार्य नहीं है आपका। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि केंद्र क्षेत्र की एक योजना है, भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है, ना कि केंद्र प्रायोजित। ठीक है, ये पूरी भारत सरकार की 100% वित्त पोषित है, यानी कि भारत सरकार पूरा देगी इसमें। और इस योजना का उद्देश्य लघु और सीमांत किसानों ना कि मध्यम किसान की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है। यह किसानों को प्रत्यक्ष नगद समर्थन प्रदान करने पर जोर देती है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि DBT प्रणाली के माध्यम से किसानों के लिए 6,000 तक की सहायता को सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली जो कि एक वेब आधारित भुगतान प्रणाली है के माध्यम से हस्तांतरित किया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने बात भी की थी, इस पर एक आर्टिकल भी आया हुआ था आपका, तो उसमें बताया गया था कि ये कौन सी किस्त है, कितना कितना मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, तो आप जाकर देखते रहिए उसमें। तो इसमें आप अभी क्या लगाएंगे, केवल दो कथन बिल्कुल सही है, केवल दो कथन क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के विन्यास में 4 संकेंद्री वृत्त शामिल हैं जिनमें से प्रत्येक सशस्त्र बलों के विभिन्न मूल्यों का प्रदर्शन करता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चक्र इन 4 चक्रों में शामिल नहीं है। इस पॉइंट को याद रखिए, शामिल नहीं है। अमर चक्र आपका शामिल है, गौरव चक्र ये नहीं है शामिल, त्याग चक्र ये भी शामिल है, रक्षक चक्र ये भी शामिल है। तो इसमें क्या लगाएंगे, बी ऑप्शन, गौरव चक्र नहीं है। अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन भी किया हुआ था, या दिल्ली के इंडिया गेट परिसर में आपका 40 एकड़ में क्षेत्र में फैला हुआ है। मुख्य संरचना को 4 चक्रों के रूप में बनाया गया है जिनमें से प्रत्येक चक्र सशक्त बलों के विभिन्न मूल्यों को दर्शाता है। इसके सबसे आंतरिक चक्र में अखंड ज्योति और स्मृति स्तंभ विद्यमान है। इन 4 चक्रों को अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र और रक्षक चक्र, इन 4 को अच्छे से याद रखिए। कौन कौन सा, अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र और रक्षक चक्र। ठीक है, इस स्मारक की अगर स्तंभ की ऊंचाई की बात करूं तो 15.5 मीटर ऊंची है। ठीक है, याद रखना, तो इसमें गौरव चक्र नहीं था। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। एक बार आप लोग PDF डाउनलोड करके जरूर इसे देख लें तो क्या होगा कि आराम से समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग 14वें टेस्ट में आगे, तब तक एंजॉय करिए आप लोग।